नमस्ते दोस्तों, अस्ट्रोराघो चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम बताने वाले हैं शिव जी की पूजा के बारे में। जौ, गेहूं और चावल से बने शिवलिंग पूजा करने के 5 फायदे। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने पूरे जगत के सुख और मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान विश्वकर्मा को अलग अलग तरह के शिवलिंग बना करके देवी देवताओं को देने की आज्ञा दिया और विश्वकर्मा ने अलग अलग पदार्थों, धातु, रत्न से शिवलिंग बनाए, जैसे पारद, मिश्री, जौ, चावल, भस्म, गुड़, फल फूल, स्वर्ण, रजत, विवर मिट्टी, दही, माखन, हीरे, मोती, मणि, मूंगा, नाग, पार्थिव, तांबा, इंद्रनील, पुखराज, पद्मराग, पीतल, लसनिया और रत्न, चंदन, स्फटिक मणि आदि से शिवलिंग बनाए गए और सभी शिवलिंग के नाम भी अलग अलग दिए गए और सभी का प्रभाव भी अलग अलग बताया गया। शिवलिंग बनाने के बाद सभी की श्रेणियाँ रखी गई, जैसे देवलिंग, असुरलिंग, अर्शलिंग, पुराणलिंग, मनुष्यलिंग, स्वयंभूलिंग। आओ जानते हैं आज हमारे अष्टोरागो चैनल के माध्यम से कि जो है इसके क्या फ़ायदे होते हैं, चावल से बने शिवलिंग की पूजा करने का क्या लाभ है और जौ की, गेहूं के, इसके क्या लाभ हैं। ये जो है देखने में बहुत सरल है पर इसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब जौ, गेहूं और चावल से बने शिवलिंग जो हैं, इस शिवलिंग को पूजन का पारिवारिक समृद्धि के लिए होता है। जिनके परिवार में समृद्धि नहीं है, सुख शांति नहीं है, वो जो है इसका पूजन कर सकते हैं। जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित हैं, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वह इस शिवलिंग की पूजा करने से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है और इसी जो है शिवलिंग की पूजा करने से दाम्पत्य सुख मिलता है, घर का कलह कलेश दूर होता है, पत्नी और पति के बीच में जो मनमुटाव कोई बनता है वो समाप्त हो जाते हैं और ये पूजा करने से घर में जो है सुख शांति बनी रहती है, घर में जो है इससे धन में वृद्धि बनी रहती है। जौ, गेहूँ, चावल तीनों को बराबर बराबर भाग में मिला लिया जाए और इकट्ठे ही उसका आटा जैसे गूंथते हैं वो जो है मिला करके बनाएं और शिवलिंग जो है उसी का बना करके परिवार में सुख समृद्धि संतान का लाभ हो करके रोग से रक्षा होती है। ये जो हमने बताया है ये जो है शिव पुराण में वर्णित है, शिव पुराण के माध्यम से ये जो है बहुत ही फायदे वाला पूजन है। शिव जी की स्तुति करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, शिव जी का ध्यान करें। शिव जी जो हैं समस्त मनोकामना को पूरा कर देते हैं, इसलिए शिव जी की पूजा करें, आराधना करें, बाद में क्षमा प्रार्थना करें और इस प्रकार से भोलेनाथ जो है आपकी मनोकामना पूर्ति करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय।